अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की रेमेडी फेयर लवली के बारे में है। बहुत टाइम से ये यूज़ की थी जा रही है, इट्स वेरी अमेजिंग। ये हमारी स्किन को जो डार्क हो जाती है हमारी स्किन, तो उससे ये फेयर करती है। जब तक हमारी स्किन में डार्क खत्म हो जाती है तभी हमारा स्किन ग्लो करता है, तो इसके लिए फेयर लवली इट्स वेरी अमेजिंग। तो हाफ स्पून मैंने लिया फेयर लवली का, देन उसके बाद मैं इसमें लूँगी मीठा सोडा। अगर आपके पास मीठा सोडा नहीं है तो आप इसमें लीमू भी ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद हम इसमें टमाटो का स्पून जूस ऐड करेंगे, उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हमारा फेस वॉश इट्स रेडी। डार्क्स का फेस वॉश के एक ही बाद इट्स वेरी अमेजिंग। तो अपने फेस पर ये यूज़ करना है आपको, 5 मिनट के लिए मसाज करना है, देन उसके बाद वॉश कर देना है। सेकंड स्टेप ये है कि हर्बल फेस पॉलिश इट्स वेरी अमेजिंग। इसका हम 1 स्पून लेंगे। उसके बाद ये वाइटनिंग कैप्सूल है, ये भी हम इसमें पूरा ऐड करेंगे। उसके बाद ये वाइटनिंग पाउडर है, ये ब्लीच पाउडर नहीं है, मैं इससे बाल आपके गोल्डन नहीं होते, ये इसका कलर फेयर होता है। तो ये इसका 1/2 स्पून हम इसमें ऐड किया। देन उसके बाद हम इसको रोज़ वाटर से अच्छी तरह से अपना पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद ये आपको यूज़ करना है 20 मिनट के लिए लगा कर फेस। उसके बाद आपको ये वॉश कर देना है, देन उसके बाद रोज़ वाटर अपने फेस पे लगा देना है। उसके बाद आपको रात के टाइम कुछ नहीं यूज़ करना, देन सो जाना है। इंशाल्लाह इसका कलर बहुत ज़्यादा फेयर होता है, सो यूज़ करना। फीडबैक में लाजिम बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।